हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुमान सेवलिया एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएस टेक्निकल सपोर्ट के स्वागत करते हैं। और यहां पर इस वीडियो में बात करेंगे आरएमजी बैंक यानी राजस्थान मरुद्र ग्रामीण बैंक का अकाउंट आप घर बैठे कैसे खोलें। काफी वेली भाइयों का, काफी मित्र भाइयों का हमारे पास कमेंट आ रहा था कि हम अपने जो कस्टमर अपने शॉप पर आते हैं, आपके सेंटर पर आते हैं, उनका आरएमजी बैंक में अकाउंट कैसे खोलें बिना बैंक वीसी के। या फिर काफी लोगों के भी कमेंट आ रहे थे कि हम आरएमजी बैंक का अकाउंट कैसे खोलें घर बैठे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आरएमजी बैंक का अकाउंट आप 2 सेकंड के अंदर खोल सकते हो। आपको तुरंत अकाउंट नंबर मिल जाएगा, फिर आप अपने बैंक जाके पासबुक और एटीएम आपको तुरंत दे दिया जाएगा। तो इसमें आप 2 प्रकार के खाते खोल सकते हैं। आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना है और उसके माध्यम से आप इंस्टा सेविंग अकाउंट और डिजिटल सेविंग अकाउंट, 2 प्रकार के अकाउंट आप खोल सकते हो। तो दोनों अकाउंट में क्या फायदा है, कौन सा अकाउंट हमें खोलना चाहिए और कैसे क्या प्रोसेस रहने वाली है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। कंप्लीट जानकारी के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको बता दूं, मैं इसमें लाइव 100% लाइव विथ प्रूफ के साथ मैं आपको अकाउंट खोलकर दिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को लाल वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में या फेसबुक पर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो भी अपना अकाउंट खोल सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आरएमजी बैंक जो राजस्थान मरुद्र ग्रामीण बैंक है, उसमें आपको अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। पहले बात हम डॉक्यूमेंट की कर लेते हैं। इसमें मात्र आधार कार्ड चाहिए और आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड से ओटीपी आएगी, केवाईसी होगी, तो इसलिए फर्स्ट आपका काम हो गया आधार कार्ड और उसमें मोबाइल नंबर लिंक हो। उसके बाद में सेकंड आईडी में अगर आप पैन कार्ड है तो वो लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस है वो लगा सकते हो, वोटर आईडी कार्ड है वो भी लगा सकते हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये जो भी डॉक्यूमेंट है ये लगा सकते हो आप। इसमें देखो, सेकंड आईडी में आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है और पैन कार्ड भी नहीं है और आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है, तो इस सिचुएशन में अपन क्या डॉक्यूमेंट लगाएं। तो इस सिचुएशन में मैं डिस्कशन में लिंक भी दे दूंगा और अपने आप बैंक से भी प्राप्त कर सकते हो। फॉर्म नंबर 60 आता है, उसको क्या करना है, उसको फिलअप कर लेना है कैपिटल लेटर में। फॉर्म नंबर 60 आपको उसमें लगा देना है। आपके पास एक आधार कार्ड हो गया, उसमें मोबाइल नंबर लिंक हो गया और सेकंड आईडी अगर पैन कार्ड नहीं है, तुरंत आपको अकाउंट खोलना है, पैन कार्ड नहीं है बंदे के पास, तो आपको क्या करना है, इसमें जो फॉर्म नंबर 60 आता है वो बैंक से ले लेना है और या मैं डिस्कशन में लिंक दे दूंगा वहां से, या फिर हमें व्हाट्सअप कर देना, हम व्हाट्सअप पर आपको अवेलेबल करवा देंगे। वो फॉर्म नंबर 60 लेना है और उसमें भर लेना है एकदम कैपिटल लेटर से। अगर आपको कुछ समस्या आती है कि हमें भरना नहीं आता है, कैसे क्या करना है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे मिल जाएगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि काफी कस्टमर होते हैं जिनको अर्जेंट होती है, जैसे किसी की डिलीवरी हो रही है या किसी की छात्रवृत्ति अटकी हुई है या किसी का कैसा, बहुत सारे केसेस आते हैं जो लोग तुरंत अकाउंट नंबर लेना चाहते हैं, तुरंत अकाउंट नंबर लेना चाहते हैं, तुरंत एटीएम चेकबुक लेना चाहते हैं। तो ये सबसे ये बेस्ट तरीका है, जीरो बैलेंस पर आप अपने नजदीकी ब्रांच से जाके और वहां पर अगर वो डिपोजिट करवाते हैं, मिनिमम बैलेंस 500-1000 जो भी है तो वो कर देना है और उसके बाद में आपको एटीएम चेकबुक, एटीएम और डायरी मिल जाती है, उसके माध्यम से आप वापस विड्रॉल कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको जैसे लगे वैसे आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना, एक आपका आधार कार्ड हो गया, उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, सेकंड आईडी में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपके पास वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड या फिर आपको पासपोर्ट ये नहीं है, तो आपको 60 नंबर फॉर्म आता है, आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो फॉर्म नंबर 60, वो आपको कैपिटल लेटर में भर के और वो लगा देना है। और एक आपका सिग्नेचर हो गया, ये चीजें आपको चाहिए, आधार कार्ड आपका आगे का और पीछे का दोनों अपलोड होगी, लाइव फोटो और उसके बाद में आपका सिग्नेचर भी अपलोड होगा और उसके बाद में आपका ये फॉर्म नंबर 60 अपलोड कर देना है, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड अपलोड कर देना है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट है लगने वाले हैं और इसके बाद में आपको प्रोसेस है जो वीडियो में मैं दिखा दूंगा अभी लाइव करके, आप 2 मिनट के अंदर अंदर अकाउंट खोल सकते हैं। 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट लगेंगे ही नहीं, 1 मिनट में ही आपका अकाउंट खुल जाएगा। और अकाउंट खुलने के बाद में आप अपने बैंक में जाएंगे, अकाउंट नंबर बताएंगे और आपको डायरी और एटीएम वहां पर दे दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आपको बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना, तभी आपको ये सारी जानकारी मिल पाएगी। अगर आपको किसी प्रकार की कुछ समस्या आती है, कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई हमें ये समझ में नहीं आया, तो आप हमें मेल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो आप घर बैठे कौन से बैंक में अकाउंट खोलें उस टॉपिक पर चाहते हैं, कौन से बैंक पर चाहते हैं आप, वो हमें कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर आपको। तो सबसे पहले अपने प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हो हम प्ले स्टोर को ओपन करने वाले हैं। प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। यहां पर इस प्ले स्टोर को ओपन करके आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बाकी आपको टाइप कर लेना है दिशा आरएमजी ऐप या आरएमजीबी दिशा, ये आपको ऐप डाउनलोड करना है दिशा आरएमजीबी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसे इंस्टॉल कर लेना है।
तो चलिए हम इंस्टॉल कर लेते हैं, बाकी हम आपको कंटिन्यू विथ प्रूफ के साथ में दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि कोई भी स्टेप छूटे नहीं और आपको सभी चीज़ समझ में आए और अच्छी सर्विस दे सकें कस्टमर को भी। देखिए ऐप डाउनलोड हो चुका है, ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हो राजस्थान मरुदर गण बैंक, ये आपको एक कंडीशन टर्म एंड कंडीशन एग्री इसको देख लेना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। आई एग्री पे क्लिक करेंगे और अलाउ अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद में आपको दो अकाउंट देखने को मिलेंगे यहाँ पर। देखिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना, जो कस्टमर का आप अकाउंट खोल रहे हो या फिर अपना अकाउंट खोल रहे हो तो आपको कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है वो डाल देना है, जो प्रेजेंट टाइम में मोबाइल नंबर है उसका मोबाइल नंबर डाल देना है। उस पर ओटीपी जाएगा, जो अकाउंट में देना चाहता है वो नंबर वो डाल देना है आपको। आधार में जुड़ा हुआ है वही नंबर डालना कोई जरूरी नहीं है, आप जो प्रेजेंट टाइम में कस्टमर जो मोबाइल नंबर दे रहा है वो डाल सकते हो, पर लेकिन आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ भी होना चाहिए, लेकिन वो दूसरा भी हो सकता है, वो तो हमें एक ओटीपी चाहिए। बाकी आप यहाँ पर मोबाइल नंबर कोई सा भी आपका डाल सकते हो, कस्टमर का जो भी नंबर है वो डालने के बाद में यहाँ पर एक ओटीपी भेज जाएगा। अगर ओटीपी नहीं आता है तो आप रीसेंड कर सकते हो, बाकी आपको वेट करना है, यहाँ पर टाइम देता है, ओटीपी आ जाता है, 100% ओटीपी आ जाता है। कभी कभी कोई सर्वर की इश्यू हो, बाकी इधर भी सर्वर का इश्यू नहीं आता। देखिए यहाँ पर आपको दो अकाउंट देखने को मिलते हैं, इंस्टा सेविंग अकाउंट और एक मिलता है आपको डिजिटल सेविंग अकाउंट। दोनों में टर्म एंड कंडीशन दे रखी है। मैं आपको बता दूँ डिजिटल सेविंग अकाउंट में क्या होता है, वीडियो केवाईसी वगैरह होती है तो उसमें ज़्यादा थोड़ी दिक्कत रहती है। बाकी इंस्टा सेविंग अकाउंट आपको खोलना है उसमें तुरंत अकाउंट खुल जाता है, अकाउंट नंबर मिल जाता है, बैंक पासबुक एटीएम सब कुछ मिल जाता है। तो मुझे इंस्टा सेविंग अकाउंट ही खोलना है, ये हम चुनेंगे, बेस्ट अकाउंट है। बाकी आप डिजिटल सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हो। तो इंस्टा सेविंग अकाउंट यहाँ पर डिजिटल सेविंग अकाउंट पर नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर आएंगे, उसमें आपको और ज़्यादा बताएंगे। बाकी इंस्टा सेविंग अकाउंट अभी आपको खोलकर दिखा रहे हैं, ये बेस्ट अकाउंट है, इसमें एटीएम चेकबुक मिल जाएगा, तुरंत अकाउंट नंबर मिल जाएगा और कुछ नहीं करना आपको, इसमें आपको दिखाया गया है पूरी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी है, आपकी जो नज़दीकी ब्रांच है वो आप डालोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी, वो ब्रांच आपको डाल देनी है। उसके बाद में आपको आधार नंबर डालना है। मैं ये चीज़ें हाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये यूट्यूब के खिलाफ होता है, ये अगर हम इससे किसी की अगर कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन दिखा दें तो यूट्यूब के द्वारा हमारे चैनल को डिलीट कर दिया जाता है, तो इसलिए हम आपको दिखा नहीं रहे हैं। बाकी आपको सेम यही प्रोसेस रहने वाली है, आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद में यूआईडी वेरिफिकेशन होगा, ओटीपी आएगा आपको आधार कार्ड से, जो आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक है या आपके किसी का भी लिंक है आपके परिवार में तो उसके जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। तो देखिए दोस्तों आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक अपने मेंबर या फैमिली मेंबर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़वाया है तो जुड़वा दें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आई, हम यहाँ पर ओटीपी डालेंगे, तो हमारे पास ओटीपी आ चुकी है, हम तीर के निशान पर क्लिक करेंगे ओटीपी डालने के बाद में, तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आधार की फ़ोटो ले लेगा ये। आधार की फ़ोटो लाने के बाद में फिर नीचे सिग्नेचर मांगेगा, तो आपको एक वाइट पेपर पर सिग्नेचर करवाने एकदम बिल्कुल सही, ताकि आप बैंक जाएं तो पैसा ऐसा कटाएं तो आपको दिक्कत नहीं हो। तो देखिए सिग्नेचर आपको वाइट पेपर करवा लेना है। उसके बाद में दे रखा है आधार कार्ड का फ्रंट पेज अपलोड करें, तो ओरिजिनल आधार कार्ड को आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है और उसका फ्रंट पेज अपलोड कर देना है। तो देखिए हमने आधार कार्ड, ये फोटो हो गई, सिग्नेचर हो गया, आधार कार्ड का फ्रंट पेज हो गया, बैक पेज हो गया, और यहाँ पर देखिए सेकंड आईडी में ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन पैन कार्ड, फॉर्म नंबर 60, पासपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट दे रखे हैं। तो फॉर्म नंबर 60 मैंने आपको बता दिया है, अगर पैन कार्ड नहीं हो या वोटर आईडी कार्ड नहीं हो या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो तो पैन कार्ड आप वहाँ से फॉर्म नंबर 60 आपको लगा देना है, फोटो खींच के फॉर्म नंबर 60 आप बैंक से प्राप्त कर सकते हो या फिर आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको आधार कार्ड की फ्रंट फोटो लेनी है, बैक साइड की फोटो लेनी है, क्लियर लेनी है, फोटो आपकी जो आधार कार्ड से वो ले लेगा उसमें, और सिग्नेचर आपको ले लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरना है, जैसे कि किसी आप पुरुष का खोल रहे हो तो मिस्टर या मिसेज, लेडीज़ का खोल रहे हो ऑटोमेटिक आधार से डिटेल आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए आप मेरिड हैं अनमेरिड हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको क्या आप काम करते हैं, हाउस वाइफ है वो सिलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद में आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, आपने जो एजुकेशन है वो कितनी की है, एजुकेशन सेलेक्ट कर लें सॉरी। उसके बाद में आपको हिंदू मुस्लिम जो भी है, उसके बाद में आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लें ओबीसी एससी। उसके बाद में आपके पास ईमेल आईडी अवेलेबल हो तो डाल सकते हो, बाकी ओपिनियल ऑप्शन है। और उसके बाद में आप अगर डिसेबल पर्सन है, कुछ आपके मिस्टेक हाथ पैर, तो नो यस कर सकते हो, बाकी नो कर सकते हो। और आप एनुअल इनकम डाल सकते हो, बाकी ओपिनियल छोड़ सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें भरे तो ही हो, बाकी आप खाली भी छोड़ सकते हो। तो अपने हिसाब से आप डाल दीजिए, आप इतने तो समझदार ही हैं, इतनी बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी इन्फॉर्मेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपका आधार से ऑटोमेटिक एड्रेस आ जाएगा
और उसके बाद में आपका जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट आपका राजस्थान हो गया, डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है वो सेलेक्ट कर ले। उसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे आपका नेशनलिटी आ जाएगा, इंडियन वगैरह जो भी है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। कुल मिलाकर आपको एक मिनट लगने वाली है, और सेम एड्रेस है तो सेम पर टिक लगा देंगे, सेम नहीं है तो आप भर सकते हो अपना एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में सेल्स, ये रिलेटिव यानी आपका सिलेक्ट रिलेटिव, आपसे रिलेटिव कौन है, यानी आपका पति है, माता पिता है, जो भी है स्नोप सेलेक्ट कर लें, पति है तो। उसके बाद में उसका नाम, उसका टाइटल क्या है, मिस्टर मिसेज जो भी है, मदर्स हो तो मिसेज होगा, बाकी फादर्स हो तो मिस्टर होगा। उसके बाद में उसका नाम डाल दें, नाम डालने के बाद में आपको अपना मदर का नाम डाल देना है, और नॉमिनी की डिटेल आपको ज़रूर भरना है, ताकि आपने अगर कोई बीमा करवाते हो तो आपका जो फ़ायदा है वो आपके परिवार के सदस्यों को मिले, इसलिए आपको नॉमिनी डिटेल बेसिक ज़रूर भरना है। अपने पति की भर सकते हो, माता पिता की, भाई बहन की, जो भी है उनका डिटेल्स आप भर दें। नॉमिनी में आपको अपना नाम लिख देना है, नाम लिखने के बाद में आपको यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ, नॉमिनी में आपको नाम लिख देना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ जानेंगे, वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो का कोई सा भी पार्ट आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ठोके, चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। उसके बाद में आपको अपना एड्रेस डाल देना है, तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप एड्रेस डाल रहे हैं आपके सामने। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सेकंड आईडी में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो फॉर्म नंबर 60 आप गूगल से डाउनलोड कर लो, उसको भर दो कैपिटल लेटर में, बड़े अक्षरों में, और वो लगा दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, यह ध्यान रखना। और अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लगा दीजिए, पैन कार्ड आजकल बन जाता है 15-20 मिनट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए हम एड्रेस डाल देते हैं, एड्रेस डालने के बाद में आपको अपना विलेज है वो डाल देना है, फिर सिटी आपकी जो नागौर डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका सिटी आता है, जैसे कि अजमेर हो गया, नागौर हो गया, जयपुर हो गया, जो भी आपके जिला या डिस्ट्रिक्ट होता है, या फिर आपकी जो तहसील होती है वो आप सिटी सेलेक्ट करते हो। उसके बाद पिन कोड डालोगे तो ऑटोमेटिक आपकी सिटी आ जाएगी, वहाँ पर आपके ऑटोमेटिक सिटी ले लेगा। आपका जो डिस्ट्रिक्ट हो गया जैसे चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए एक्स वाई जेड। उसके बाद में आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, जो नॉमिनी है उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि आगे जाके दिक्कत नहीं हो, किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। उसके बाद में नॉमिनी की आपने सेलेक्ट कर लिया, फादर्स, मदर्स, स्नोप्स, यानी जो भी है हस्बैंड वाइफ वो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर दें, ये आपकी पर्सनल डिटेल्स है इसलिए आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में आपको मोबाइल बैंकिंग टिक कर देना, डेबिट कार्ड ऑटोमेटिक रहेगा, SMS ऑटोमेटिक रहेगा, मतलब ये दो चीज़ तो आपको मिलनी ही मिलनी है। मोबाइल बैंकिंग टिक करोगे तो मोबाइल बैंकिंग ही आपको मिल जाएगी, ताकि आप अपने फ़ोन में RMGP का ऐप डाउनलोड करके आप अपने स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखिए एक बार आप डिटेल चेक कर लीजिए, रिव्यू पर्सनल डिटेल्स, एक बार अपनी डिटेल चेक कर लें। डिटेल चेक करने के बाद में ही आपको सबमिट करना है, अगर दिक्कत हो तो पैन का निशान साइड में मंडा होता है, उस पर आप करके एडिट कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि इतनी सी जानकारी मांगी जाती है, इसमें क्या गलती होगी, बिल्कुल सही सही होगा। और सबमिट पर क्लिक कर देना है, सबमिट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट नंबर है जो आपके मैसेज आ जाएगा, और आपका CISF नंबर भी आपका अकाउंट में मैसेज आ जाएगा। बाकी इसमें अगर यहाँ पर नहीं बताता है, यहाँ पर क्या कि एरर चलता है, तो ये कुछ रेड कलर में लिखा होता है, तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, आपके फ़ोन पर मैसेज आ गया है अकाउंट नंबर का, जो भी आपने नंबर दिया था उस पर मैसेज आ गया है कि आपका अकाउंट हो गया है। तो देखिए सॉरी UR ऐसे कुछ एरर आता है, आपको क्या करना है, यहाँ से बैक चले जाना, यानी इस ऐप को एक बार मतलब यहाँ से स्क्रीन से हटा देना, फिर वापस ओपन करना, आपका अकाउंट नंबर दिखा देगा। तो देखिए हम वापस सबमिट करेंगे इसे, तो ये ऑलरेडी दिखाएगा, तो देख लीजिए, देखिए सॉरी ऑलरेडी अकाउंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से बीच से काट देना है, बीच से काट के वापस ऐप को ओपन करेंगे तो हमारा अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ पर दिखा देगा। तो देखिए चलिए हम यहाँ से काट देते हैं इसको, देखिए आप बैक करोगे तो बैक से नहीं होगा, ऐसे हटा देना है, ऐसे हटा के फिर आप वापस ओपन करना है ऐप को। तो देखिए ये रहा ऐप, वापस ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर अकाउंट क्रेडिट, तो देखिए अकाउंट क्रेडिट हो गया है, CISF नंबर बता देगा, अकाउंट नंबर बता देगा, अकाउंट टाइप बता देगा, और यहाँ पर देखिए डेट बता देगा, और अकाउंट हमारा क्रेडिट हो चुका है। आप देख सकते हो 100% लाइव विथ प्रूफ के साथ में आपको दिखाया अकाउंट ओपन करके। और इंस्टा सेविंग अकाउंट आपको ओपन करना है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, और आप बैंक से जाके अपनी पासबुक और ATM ये ले सकते हो अपने नज़दीकी बैंक पर जाकर। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको अकाउंट नंबर खोलकर दिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपको सब कुछ जानकारी मिल गई है, लाइव हमने अकाउंट खोल के आपको दिखा दिया है। अब अपने बैंक जाकर आप अपने अकाउंट नंबर दिखा के और ATM और वो जो आपका ATM है, बैंक पासबुक है, वो आप ले सकते हो।
और आप आराम से खाते को अपने फोन पे में, गूगल पे में, जो भी लगाना चाहते हो, जहां पर भी यूज में ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और मिलते हैं और एक ऐसे वीडियो के साथ में, लेटेस्ट अपडेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।